कम हो जाएगा, आमदनी क्यों कम होगा? विजय बोलिए सर, जो हम काम क्यों कर रहे, काम क्यों कर रहे, काम आज क्यों कर रहे हम? हमारा पास 5 करोड़ होगा तो हम काम नहीं करें, मेरा पास तो 5 करोड़ होगा तो मैं काम नहीं करेगा। अभी जो काम कर रहे हैं ना, मंथली कितना आ रहा है? 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे कुछ आ रहा है। हम काम नहीं करेगा ऐसे आएगा तो बहुत अच्छा है, क्या बोल रहे हैं उसमें? हम काम नहीं करेगा फिर भी 2 लाख 3 लाख 4 लाख आएगा तो मंथली लाइफ लॉन्ग काम क्यों करेगा? दूसरा काम पर पकड़ेगा, फुटबॉल देखने के लिए जाएगा, वर्ल्ड कप है। अलग अलग व्यूज है सर उसमें। आपका व्यू क्या दे दीजिए ना, आपका मंथली 5 लाख रुपीज मिलेगा अभी तो मंथली 5 लाख मिलेगा तो करेगा क्या? तो इंश्योरेंस सेल करेगा? बिल्कुल तो नहीं करेगा। नहीं, उस पैसे को आगे कहीं इन्वेस्ट करके क्या करेगा बोलिए? आपका गोल क्लियर होगा तो ईश्वर आपको दे देगा। जी जी, अभी गोल क्लियर नहीं। जी जी, गोल को क्लियर करो, क्लियर करने के बाद तो आप प्रेजेंटेशन को जा सकते हैं। हम क्लियर नहीं करेगा तो प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। हमको जरूरी है, जब हम बोलेगा कि हमको जरूरी है उसके बाद प्रेजेंटेशन हमको बहुत अच्छा लगे। हम तो ऐसे बोल रहे हैं कि सर 5 साल के बाद रिटायरमेंट ले जाइए, 10 साल के बाद ले जाइए, अभी ले जाइए, हमारा पास वो भी प्लान है, अभी रिटायरमेंट ले जाइए, कल से शुरू होगा और काम आप बिल्कुल नहीं करेगा। नहीं की? अरे सुब्रत, सुब्रत बात करो, अरे कोई भी बात करो, पुष्पांजलि जना, पुष्पांजलि सैमसंग, ये हाँ पुष्पा, सुब्रत ऑन करो, ऑन करो वीडियो, ऑन करो। हाँ आ गया सुब्रत, वीडियो ऑन करो। अरे रे सुब्रत, अरे नमस्कार, अरे रास्ते में है क्या? कल से कुछ प्रैक्टिस हो रहा है ना, ऐसे घूम रहा है तुम? सर ऐसे लीड अभी कलेक्शन कर रहा हूँ। लीड कलेक्शन घर में बसेगा, लीड कलेक्शन करेगा, दिल्ली का लीड कलेक्शन करेगा। आ रहा हूँ थोड़ा, जो हमारा जो लेटर पैड के लिए दे दिया हूँ, ठीक है, गुड। कितना वही सब का 5 का ना, एक ही कितना दिया लेटर पैड? क्या सर, कितना पैड के लिए दिया? 5? हाँ लेटर पैड के लिए दे दिया। कितना, एक ही दिया ना? 5 दिया। क्या सर, मैं 50 भी दिया लेटर पैड के? अरे नो, एक ही पैड में 50 रहेगा, 5 दे दीजिए। हाँ सर, एक ही पैड में 50 रहेगा। हाँ 5 रहेगा तो 1 मंथ में तुमको 5 खत्म करना है। नहीं की सुब्रत, ट्राई कीजिए, इंश्योरेंस इज अनलिमिटेड। सो बोलिए बोलिए, कोई भी बोलिए, रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है? सैमसंग SMM2127G साहेब, साहेब है घर में आराम से बैठे, बोलिए। वीडियो ऑन करी भी, वीडियो घर को गले ऑन करी भी। आए सर सांगे सांगे, 5 मिनट रे पहुंची, ठीक घरे पहुंची ऑन करो, हैला घरे पहुंचन तो ऑन करो, हैला थैंक यू। तो रिटायरमेंट प्लानिंग है क्या चीज, बोलिए, हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे क्लोज करेंगे, कैसे अपॉइंटमेंट लेंगे, क्या करेगा, क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, वो सब चीज है उसमें। लेट अस गो टू द प्रेजेंटेशन फॉर स्क्रीन शेयर। What is retirement planning? क्या है retirement planning? चीज क्या है वो? की चीज हमको हमारा USP बन जाएगा। संजय देख रहा है साला स्लाइड कैसे हो रहा है इसका। retirement plan presentation। हाँ, retirement plan presentation। You can take retirement at the age of 50 also. You can take retirement at the age of 60 also. आप 50 में रिटायर हो जाइए, नेट में ब्राउज कीजिए, जाकर यंग बन जाइए। आजकल यंग लोग क्या कर रहे हैं, वही लैपटॉप उधर के इधर उधर हो रहा है, तो ऐसा ही होगा ना। वो रिटायर हो जाएगा तो जितना उसका अंदर खुशियां आएगा आपको पता नहीं चलेगा। वही अपने मर्जी से काम नहीं करता है, प्रेशर में काम करता है, हर कोई काफी प्रेशर में हर कोई काम करता है।
तो यू कैन टेक रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 50, यू कैन टेक रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60, नहीं यू कैन प्लान टू रिटायर एट 50, 50 में भी आप रिटायर कर सकते, घर में जाकर आराम कर सकते, काम क्यों कर रहे, ओके, एंड यू कैन प्लान टू रिटायर एट एज ऑफ 60 ऑल्सो. अब जब रिटायर हो जाएगा उसके बाद जो काम करेगा आपका जो क्या है बोलती है हॉबी जी है उसके ऊपर काम करेगा, आपका जो भी हॉबी है आप उसका हॉबी ऊपर काम करेगा. सो यू कैन टेक रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60 ऑल्सो, ओके, एंड यू कैन टेक रिटायरमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन. आप आपका चिल्ड्रेन का रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर सकते हैं, चिल्ड्रेन का रिटायरमेंट प्लानिंग आप भी कर सकते हैं. सपोज आपका एक बेटा है वो 30 इयर्स में वो रिटायर हो जाएगा, वो जितना पैकेज इसको मिलेगा 30 इयर्स में, सपोज कोई इंजीनियर होगा या डॉक्टर होगा जो भी होगा, वो जितना पैकेज होगा हम उससे ज्यादा पैकेज इसको दे देगा. सपोज ये प्लान फॉर 12, प्लान फॉर 13, प्लान फॉर 19, प्लान फॉर 7, कोई भी एज पर वो प्लान करेगा तो हम फिक्स इसको दे देगा आज ए रिटायरमेंट प्लान. नहीं कि क्या होता है क्या एक्चुअली क्या होता है, मोर देन 80% ऑफ इंडियन वोमेन आर हाउसवाइफ. वो हाउसवाइफ है, जो हाउसवाइफ है ना इसको हमको मुक्त करना जरूरी है. वो ग्रेजुएशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है, लेकिन आज का डेट में वो हाउसवाइफ है, घर में हाउसवाइफ. जो हाउसवाइफ का काम क्या है, जो हाउसवाइफ का क्या काम है, घर में खाना बनाना, घर को सफा रखना, वो सब काम है. एंड मेरा एक दोस्त था, वो था इधर जो वुमेन का जो सेल है या हमको बोलती है इधर वुमेन कमीशन, वुमेन कमीशन, वुमेन कमीशन का चीफ था उड़ीसा का. बिफोर 10 इयर्स आई हैव टॉक्ड टू हिम, जो जितना सारी हो रहा है डाइवोर्स हो रहा है उसका बेस क्या है, इतना डाइवोर्स हो रहा है उसका बेस क्या. वो मुझे बोला कि उसका बेस है फाइनेंस. जितना डाइवोर्स हो रहा है 95% डाइवोर्स हो रहा है बिकॉज ऑफ फाइनेंस, पैसा नहीं इसलिए डाइवोर्स हो रहा है. तो हम जब हमारा बेटी को शादी के लिए भेजेगा किसके घर पर, वो जॉब होल्डर है हमारा बेटी और कोई भी प्रोफेशन में है और हाउस वाइफ, हम जब भेजेगा इसको 1 लाख पैकेज मीन्स 10 लाख पैकेज देकर भेजेगा, हम डाउरी कुछ भी नहीं देगा. वो हाउस वाइफ ज्वाइन करेगा जाएगा, लेकिन इसका 10 लाख पैकेज रहेगा लाइफ लॉन्ग. आफ्टर 30 मंथली इसको 80,000 मिलेगा, टैक्स नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा. तो हम वो चीज हम कर देगा तो डाइवोर्स नहीं होगा एंड हमारा बेटी इंडिपेंडेंट रहेगा. उधर भी शादी करेगा ना क्या होगा, उसमें उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो ऑलवेज डिपेंड करेगा उसका हस्बैंड के ऊपर, एंड उसका हस्बैंड का जब चला जाएगा तो डाइवोर्स हो जाएगा इमीडिएटली, एंड वो घर का जो काम है वो नहीं कर पाएगा तो फिर भी डाइवोर्स हो जाएगा. तो जिसका बेटी एट द एज ऑफ 5, एज ऑफ 6, एज ऑफ 7, एज ऑफ 8, एज ऑफ 9 अप टू एज ऑफ 15, आप इसको पिताजी को मिलो बोले कि सर हम एक 10 लाख का पैकेज आपको बेटी को, 10 लाख का पैकेज देगा, ईयरली इसको 10 लाख मिलेगा. एंड आप जब शादी करेगा ना किसके साथ, वो हाउस वाइफ रहेगा, पैकेज है 10 लाख, 10 लाख पैकेज नहीं, मेरा बेटी को मैं भेज रहा हूँ, मैं कुछ भी डाउरी नहीं देता है, लेकिन 10 लाख पैकेज देगा. वो जब 30 इयर्स होगा उससे शुरू होगा लगभग 100 इयर्स तक, ईयरली 10 लाख इसको मिलेगा, पैकेज 10 लाख. तो इसको बोलिए एंड इसको एक्शन एंड रिएक्शन देख लीजिए क्या होता.
सपोज किसी का नहीं बेटा है, वो बोले कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, सर फिर भी मैं 10 लाख पैकेज दे देता हूँ आपको बेटा को। उसको जब 30 इयर्स होगा ना, ईयरली 10 लाख इसको मिलेगा अप टू 100 इयर्स, उसके बाद भी काफी चीज मिलेगा उसको, मोर देन 2 करोड़ 3 करोड़ मिल जाएगा। ओके तो आपका यूएसपी होगा जो मैं आपका बेटा जॉब करेगा फिर भी 10 लाख का पैकेज देगा, आपका बेटी शादी करेगा फिर भी 10 लाख का पैकेज देगा, जॉब करेगा शादी करेगा फिर भी 10 लाख का पैकेज देगा। एंड बेटी के लिए वो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा चीज है वो इमोशन में बहुत फ्लूइड होकर है, इमोशन का कंट्रोल है। इसलिए मैं वो जो बुक आपको दिखाया था, कौन सा बुक, दिस बुक आपको दिखाया था, वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस, दिस इज द बेस्ट बुक। हम जब किसी का इमोशन को पकड़ सकता है तो बहुत काम कर सकता है। ओके तो आपको ऐसा बोलना है कि आपका बेटी का एज अभी 5 है 6 है 4 है 3 है 7 है 9 है 10 है अप टू 15, मैं इसको जब 30 इयर्स होगा मैं इतना अच्छा एक प्लान दे देता हूँ, इसको 10 लाख मिलेगा ईयरली, इसको 10 लाख मिलेगा। वो ये अप्रोच हुआ, उसके बाद वो यस करेगा कि नो करेगा, उसके बाद वो स्टार्ट करेगा क्या करना है। ओके यू कैन प्लान योर चिल्ड्रेंस रिटायरमेंट ऑल्सो, आप चिल्ड्रेंस का रिटायरमेंट कर सकता है। ओके एंड व्हाई रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, रिटायरमेंट का क्यों जरूरी है, रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करेगा तो क्या होगा। व्हाई रिटायरमेंट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। मैंने अभी विजय को जो बोला था ना, काल से मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई तो काम क्यों करेगा, मजा से काम करेगा, जो काम हम मजा से करेगा हम तेंदुलकर टाइप का हो जाएंगे, तेंदुलकर नहीं कर रहे, मजा नहीं कर रहे। जब काम मजा नहीं करेगा तो उसका फ्लेवर अलग रहेगा, इसे प्रेशर में कोई नहीं होगा। जो मजा में काम करता है आप देखिए जनवरी फर्स्ट में वो मजा में करता है, लेकिन दिसंबर लास्ट में जो करता है इंडेटी वो प्रेशर में करता है। हम जब मजा में करेगा जनवरी फर्स्ट में इंडेट हो जाएगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। हम किसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा, हम रेगुलर बेसिस पे जो भी काम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, पैसा के लिए कर रहे हैं। हमको पैसा ऐसे भी मिल जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, उसमें कुछ भी नहीं बोल रहे, अपनी मर्जी से काम करेगा, अपने जो पैशन है स्विमिंग ये म्यूजिक है वो पैशन में हम काम करेंगे, इसको आगे लेकर जाएगा। सो रिटायरमेंट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट टू अचीव योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, एंड रिटायरमेंट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट टू बी स्टेबल ड्यूरिंग योर नॉन वर्किंग ईयर। सपोज किसी टाइम पर आपका जॉब चला गया, किसी टाइम पर आपका कोई बीमार हो गया, किसी टाइम पर आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी टाइम पर कोविड आ गया, उसी टाइम पर जो रिटायरमेंट प्लानिंग करेगा इसको मंथली सैलरी पैकेज इसका फिक्स वो मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। जिस जो कंट्री में फाइनेंशियली साउंड पर्सन जितना ज्यादा है वो कंट्री में इतना ज्यादा दिन तक आदमी जिंदा रह जाएगा, प्रेशर में काम करेगा तो अंदर चला जाएगा। तो रिटायरमेंट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज स्टेबिलिटी ड्यूरिंग द नॉन वर्किंग ईयर्स, जो हम काम नहीं कर पाएगा उसी टाइम पर हमको स्टेबिलिटी हो जाएगा। रिटायरमेंट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट टू मीट ऑल डे विदाउट ऑल एक्सपेंसेस विदाउट हसल्स, हम जो भी खर्च करेगा हसल्स फ्री हो जाएगा, क्योंकि हमको मालूम है इस साल दिस मंथ में मेरा 1 लाख क्रेडिट हुआ, हमको 100% में हम काम नहीं करेगा तो कमिंग मंथ में फिर भी 1 लाख में काम नहीं करेगा फिर भी 1 लाख आएगा, वो अश्योर हो जाएगा हमारा। सपोज किसी का एक घर है वो रेंट में नहीं जाएगा तो फिर भी पैसा नहीं आएगा। तो आज मैं इसी को डायलॉग में डालता हूँ मॉर्निंग में, आई एम सो एंड सो, वो एक विजिटिंग कार्ड बना लीजिए, लिख लीजिए आई एम सो एंड सो मिस्टर संजय, एंड टेक 1 लाख ऑफ रुपीज एवरी मंथ
फ्रॉम द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. टेक 1 lakh rupees एवरी मंथ फ्रॉम द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. प्लीज कंटेक्ट. कोई भी कंपनी का नाम नहीं रहेगा, ओनली रहेगा मिस्टर संजय फोन नंबर, और कुछ भी नहीं रहेगा. एक संजय का पिक्चर रहेगा उसमें, एक विजिटिंग कार्ड बना लीजिए, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट. चलिए, टेक 1 lakh rupees एवरी मंथ फ्रॉम द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. प्लीज कॉन्टेक्ट इन दिस नंबर. इसको आपको HNI कस्टमर को देना है. वो जब आपको कॉन्टेक्ट करेगा, जाकर कैसे प्लान दिखाएगा, क्या करेगा, उस चीज दूसरा चीज उसमें कुछ भी नहीं लिखा है. कोई कंपनी का नाम नेवर लिखेगा. मिस्टर संजय एक पिक्चर रहेगा. टेक 1 lakh rupees एवरी मंथ फ्रॉम द लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ओके. टू मीट ऑल एक्सपेंसेस विदाउट हैसल्स पे. हमको मालूम है दिस मंथ में 1 lakh मिला, कमिंग मंथ में 1 lakh मिलेगा, देन भी 1 lakh मिलेगा. देयर इज अ डे रिटायरमेंट का कोई भी चीज हमारा पास नहीं, कोई भी चीज नहीं था. बिफोर यू गो टू बिफोर 30 years, बिफोर 25 years, ऐसे रिटायरमेंट का कोई भी प्लान हमारे पास नहीं था. आज काफी प्लान है हमारे पास. कल से रिटायरमेंट हो सकता है, 5 साल के बाद रिटायरमेंट हो सकते हैं, 15 साल के बाद रिटायर हो सकता है, 30 years के बाद रिटायर हो सकता है, 60 years के बाद रिटायर हो सकता है. तो इसी को पेचिंग कर, इसी को दम में लेकर आए. रिटायरमेंट इज रिक्वायर्ड टू लिव योर लाइफ with the same standard of living as before you retire. Retirement के पहले जो भी life था उससे अच्छा life आपको जरूरी, जो भी life था उससे अच्छा जरूरी. सपोज रिटायरमेंट के टाइम पर आपको 2 lakh rupees कंपनी दिया करता था, रिटायरमेंट के बाद आपको मिलेगा 30,000. 2 lakh and 30,000 कितना डिफरेंस देख लीजिए. So, हमको रिटायरमेंट प्लानिंग हम करेगा तो क्या रहेगा कि हम रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा जीवन जी सकता है, बहुत अच्छा जीवन जी सकता है. टू लिव योर लाइफ विथ सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज बिफोर और मोर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज बिफोर. एंड रिटायरमेंट इज नेसेसरी बिकॉज नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर इंडिपेंडेंसी. आपके पास जो इंडिपेंडेंसी है किसको आपको बोलना नहीं पड़ेगा. वो जो अमिताभ बच्चन का जो पिक्चर आप देखा है, रिटायरमेंट के बाद कितना प्रॉब्लम स्टार्ट. वो बैंक में एम्प्लॉई है, रिटायरमेंट के बाद कोई भी बेटा कोई भी बेटी इसको पूछता नहीं. दो बेटा है, कोई भी पूछता नहीं. हर घर में वही कहानी, हर घर में वही कहानी. बट हम इतना अच्छा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पर है, हम इसको बदल सकते, काफी चीज कर सकते. कोई लोग का 2 गाड़ियां है, कोई लोग का 3 फ्लैट है, 3 फ्लैट है, 3 गाड़ियां है, बट रिटायरमेंट प्लानिंग उसका पास कुछ भी नहीं. इसीलिए हम इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में इतना पुअर. हमको पिचिंग करना नहीं है. कैसे हम पिच करेगा, कैसे बात करेगा, क्या बोलने से वो प्लान ओपन हो जाएगा. हम इमीडिएटली क्या करते हो, प्रोडक्ट के ऊपर बात कर दीजिए. सर ले जाइए वो प्रोडक्ट, बिल्कुल वो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के ऊपर बात कीजिए. प्रोडक्ट बात में दिखाएगा, काफी एनालिसिस के बाद प्रोडक्ट आएगा. अभी जब प्लान ओपन नहीं होता है, जब प्लान नहीं ओपन होता है क्या होता है, वो जाकर दूसरा फ्लैट परचेस करता है, दूसरा गाड़ी परचेस करता है, ज्वेलरी परचेस करता है. बेटी का शादी में मिनिमम 5 लाख का ज्वेलरी दे देता है, मिनिमम 5 लाख का ज्वेलरी दे देता है. स्टैंडर्ड फैमिली हमारे. लेकिन उसके मंथली चलो 1 lakh नहीं हुआ तो 50,000 दे दीजिए मंथली. लाइफ लॉन्ग 100 years तक मिलेगा. वो प्लान जो करना है वो नहीं करता, ज्वेलरी वाला प्लान करता है. ज्वेलरी वाला बोलते ले जाइए सर. ओके. सो टू नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर इंडिपेंडेंस. हम जब फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा, काफी चीज हमारा पास चलाएगा, काफी चीज चलाएगा. अभी जो हम फाइनेंशियल प्रेशर में है, कुछ नहीं कर पाता. सक्सेस का 2 फॉर्मूला है. सक्सेस का एक फॉर्मूला है क्वालिटी प्लस मनी.
आपके पास क्वालिटी है, मनी नहीं है, सक्सेस नहीं है। जितना क्वालिटी है, आप अच्छा बैटिंग करते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आप इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं जा सकता। आप अच्छा गाता है लेकिन आपके पास पैसा नहीं, आप किधर गा नहीं पाएगा। आप अच्छा कुक करते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं, कुक भी नहीं कर पाएगा। आप अच्छा लिखते हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं, आप लिख नहीं पाएगा। आज देखिए, जो इंश्योरेंस एजेंट बहुत अच्छा करते हैं, उसके उसके अकाउंट को देख लीजिए, पैसा है उसके पास। हमारा पास जब पैसा होगा ना, हम जो भी चीज करेगा वो अच्छी की तरह करेगा। तो नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑनली इंडिपेंडेंस। रिटायरमेंट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड कंटिन्यू सपोर्ट टू योर डिपेंडेंट्स, जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। हमारा बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, जो भी है, हम लाइफ लॉन्ग इसको सपोर्ट कर सकते। वन डे नहीं, टू डेज नहीं, फाइव डेज नहीं, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट कर सकते। हमको जरूरी है मंथली 1 लाख टिल लाइफ, तो काम हो जाएगा, काफी काम हो जाएगा उसमें। रिटायरमेंट प्लानिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज टू सपोर्ट योर अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस। कभी कभी इतना खर्चा चला आता है जो इंश्योरेंस भी दे नहीं पाता है। इंश्योरेंस पे है फिर भी 1 लाख देना पड़ता है पॉकेट से। तो रिटायरमेंट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट योर अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस। रिटायरमेंट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट टू गेट रिटर्न फॉर योर सेविंग्स। हमारा पास जो सेविंग है उसका इंटरेस्ट डे बाय डे कम हो रहा है। हम आज रिटायरमेंट प्लानिंग करेगा तो जो भी अमाउंट हमको मिलेगा आज का डेट में मिलेगा। सो गेट बेटर रिटर्न ऑफ योर सेविंग्स। रिटायरमेंट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट टू सेफ गार्ड योर एसेट एंड अलाउ यू टू हैव ए सिक्योर फ्यूचर। हम इसको नहीं करेगा तो कल गाड़ी बेच देगा, कल ज्वेलरी बेच देगा, कल कुछ भी बेच देगा। हमारा जो एसेट हम क्रिएट किया है सब कुछ हम बेच देगा। रिटायरमेंट प्लानिंग जिसके पास है वो नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको मालूम है हर मंथ मुझे 1 लाख रुपीज मिलेगा लाइफ लॉन्ग। मैं काम करेगा, काम नहीं करेगा, कुछ भी करेगा, फिर भी मुझे मिलेगा 1 लाख रुपीज लाइफ लॉन्ग। एंड दैट इज द बिगेस्ट एसेट, सबसे बड़ा एसेट वही। एंड रिटायरमेंट प्लानिंग टू एंजॉय ऑल्सो टैक्स बेनिफिट्स। हम जो भी प्रीमियम देगा उसके अंदर हमको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाएगा। रिटायरमेंट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इंक्रीज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सपोज मेरा एक कंपनी मुझे 1 लाख दे देता है, फिर भी और 1 लाख मुझे मिला, तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मैं रशिया नहीं गया था, मैं स्विट्जरलैंड नहीं गया था, मैं गोवा नहीं गया था, तो जब हमको काफी पेमेंट आ जाएगा घूमने के लिए चला जाएगा बीबी को लेकर। तो रिटायरमेंट प्लानिंग इज मस्ट इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट उसके। एंड रिटायरमेंट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट इंक्रीज योर लाइफ स्पैन। हमारे पास मंथली आएगा, एक बार हमको 3 करोड़ मिल जाएगा तो इधर उधर हो जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग में मंथली हमको 1 लाख मिलेगा लाइफ लॉन्ग तक, तो हमारा लाइफ स्पैन ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा दिन हम बच सकते। रिटायरमेंट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट टू फाइट अगेंस्ट फॉलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेक्शन रेट जो कम हो रहा है, इसी को एनकाउंटर करेगा रिटायरमेंट प्लानिंग, जो किया है इसको एनकाउंटर करेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग इज बेटर हेल्थ ड्यू टू लोअर लेवल ऑफ स्ट्रेस। जो जिसको मालूम होगा कि मुझे मंथली 1 लाख मिलता है तो उसका स्ट्रेस नहीं रहेगा, दिस मंथ में वो काम नहीं किया मंथ में कर देगा, तो स्ट्रेस फ्री लाइफ बिताने के लिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। रिटायरमेंट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट टू एंजॉय ए हैप्पी मैरिड लाइफ। मंथली आपको 1 लाख मिलेगा, आप किधर चला जाएगा तो फिर भी आफ्टर 1 मंथ फिर 1 लाख मिलेगा, तो एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए पैसा जरूरी है, काफी पैसा जरूरी है। जिसके पास पैसा है वो जैसे लाइफ को एंजॉय करते, जिसके पास पैसा नहीं है वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। तो टू एंजॉय हैप्पी मैरिड लाइफ रिटायरमेंट इज जरूरी। रिटायरमेंट प्लानिंग इज जरूरी है। यू वुड नॉट वरी अबाउट बीइंग ए बर्डन ऑफ योर किड।
आपका किट के ऊपर आप बर्डन नहीं होगा, इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी। इतने साल काम किया, इतना किट के लिए किया, इतना घर किया, सब कुछ किया, एंड ऑफ लाइफ में एक ही मिस्टेक किया, रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं किया। आज कोई भी आपका बच्चा आपको पूछता नहीं। तो इसको बिफोर परचेजिंग ए हाउस यू मस्ट हैव टेक वन रिटायरमेंट प्लानिंग। क्योंकि आज इसके ऊपर मैं बात कर रहा था, मेरा एक घर है 1 करोड़ का घर है, लेकिन और एक बंदा है उसी का 1 करोड़ का रिटायरमेंट प्लानिंग है, मंथली 1 लाख रुपीज जिसको आता है, जिसको 1 लाख रुपीज आता है ना, वो जो उसका बेटा और बेटी इसको ज्यादा रेस्पेक्ट देगा। इसको मालूम है वो मर जाएगा तो 1 लाख बंद हो जाएगा, वो जितना दिन जिंदा रहेगा हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, उसका लाइफस्टाइल भी अच्छा है। लेकिन मेरा जब एक घर है 1 करोड़ का एक हाउस है, मेरा बेटा बेटी सोचे का जल्दी चला जाएगा तो इसमें सलाम बेस्ट, वही मेंटालिटी चलाएगा। तो बिफोर परचेजिंग ए हाउस यू मस्ट हैव रिटायरमेंट प्लानिंग एंड यू विल बी ए रियल फुल ग्रैंड पेरेंट ऑल्सो। आपके पास रिटायरमेंट प्लानिंग हो तो आप एक अच्छा सा ग्रैंड पेरेंट होगा, क्योंकि हर मंथ में आपको 1 लाख 1 लाख आएगा, आप जो भी खर्चा करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड रिटायरमेंट प्लानिंग यू डू नॉट नो व्हेन यू विल स्टॉप वर्किंग। आप हमको मालूम नहीं है कब हमारा कंपनी हमको निकाल देगा, कब हम कंपनी से बाहर आएगा, हमको मालूम नहीं। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग हमको स्टेबल करेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग इज नेसेसिटी टू कंटिन्यू योर लीगेंसी एंड चैरिटी। हम जब काम कर रहे हैं हम काफी चैरिटी कर रहे हैं, एंड जब रिटायर हो गया चैरिटी इज बंद, चैरिटी स्टॉप हो गया हमारा। जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग करेगा तो चैरिटी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम चैरिटी ऐसे ही करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग यू डू नॉट वॉन्ट बी ए लाइबिलिटी फॉर योर फ्यूचर जेनरेशन। हम रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करेगा तो फ्यूचर जेनरेशन के लिए हम एक लाइबिलिटी हो जाएगा। हम इतना सारे काम किया 60 ईयर्स तक, 55 ईयर्स तक, बट और जो 20-30 ईयर्स हम रहेगा एक लाइबिलिटी हो जाएगा। And retirement planning is to maintain peace of mind. Peace of mind maintain करने के लिए retirement planning जरूरी है। संजय जी थोड़ा बात कीजिए, आगे जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्या मिला है? क्या मिला? बहुत बढ़िया। नहीं, जो अभी मेरे पास पीपीटी मैंने बनाया ना, उसमें पॉइंट सेम है, फक्त अलग तरीके से आपने बताया। अच्छा, नो मैंने जो भी बताया स्क्रिप्ट, इसको बोलना है, इसको जाकर आपको बोलना है प्लान, इसको जाकर बोलेगा तो इंपैक्ट पड़ेगा। अश्विनी सर बोलिए। पॉइंट नंबर 6 क्या था सर? मैंने वो स्किप कर दिया। चलाएंगे इसको, किधर गया वो स्क्रीन शेयर? पॉइंट नंबर 6 को आएंगे। अश्विनी सर है तो हम है। अरे नहीं सर। किधर गया पॉइंट नंबर 6? किधर गया? इधर है। रिटायरमेंट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड कंटिन्यूस सपोर्ट टू योर डिपेंडेंट, जिसके जो हमारी ऊपर डिपेंड करता है। जब हम जब चला जाएगा वो बोलेगा उसका तो जॉब नहीं, किसको ये पूछते हैं। लेकिन हमारा पास रिटायरमेंट प्लानिंग रहेगा तो हम इसको सपोर्ट कर सकते, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट कर सकते। ओके, एंड रिटायरमेंट प्लानिंग यही वाला प्रेजेंटेशन था लगता उस दिन होटल में। नो, वो नहीं था, दूसरा था। रिटायरमेंट प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट टू मेंटेन ए पीस ऑफ माइंड। हमारा पास पैसा रहेगा तो पीस ऑफ माइंड रहेगा। सो स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं इधर? स्टैटिस्टिक डेमोग्राफिक ट्रेंड ऑफ इंडिया, उसमें क्या बोलती सर? उसमें डेमो बोलिए, इसमें वो अपना हेल्थ वाला भी कुछ घुसा ही है ना सर? क्या घुसाएगा? दोनों क्लब हो जाएगा। कौन सा क्लब हो जाएगा? रिटायरमेंट के लिए पैसा भी चाहिए और हेल्थ के लिए भी पैसा चाहिए। हाँ, एग्जैक्टली। एज स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया इन 1961 बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स था, इसको टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज 43 crores एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल वेयर बिलो जीरो से
चार साल के अंदर था, ऐसे था ग्राफिंग का, ग्राफिंग ऐसे था। इसे ग्राफिंग मीन्स क्या है, ज्यादा लोग नीचे काफी दिन तक थे एंड उससे आस्ते आस्ते स्लो हो जाता है एंड अप टू 55 फिर भी स्लो हो जाता है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पीपल इन रेस्पेक्ट ऑफ एज ग्रुप, जब एज ग्रुप बढ़ जाता है वो स्लोली डिक्रीज करता है, इधर इतना था स्लोली वो कम हो गया, इसे ग्राफिक था 1961। उसके बाद क्या हुआ 2001 का ग्राफ को देखो, उसमें क्या है ज्यादा लोग ज्यादा दिन तक जिंदा है। क्यों जिंदा है, ज्यादा लोग ज्यादा दिन तक जिंदा है। एज स्टैटिस्टिक्स 2001 का क्या है, टोटल पॉपुलेशन वाज 2102 क्रोस, उससे पहले क्या था 61 में था, बिफोर 40 इयर्स पॉपुलेशन था 43 क्रोस एंड मैक्सिमम पीपल 0 से 4 ईयर में मैक्सिमम लोग थे, मैक्सिमम लोग 0 से 4 ईयर तक। उसके बाद क्या हुआ, ये स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2001 पॉपुलेशन हो गया क्या 102 क्रोस हो गया पॉपुलेशन 2001 में 102 क्रोस, ग्राफ ऐसे हो गया। क्यों हो गया, बिकॉज गवर्नमेंट का जो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन, हम दो हमारा दो, इसलिए पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर पाए। ओके एंड बिकॉज ऑफ मोर हॉस्पिटल, बिकॉज ऑफ बेटर रोड, बेटर रेल, बेटर बेटर मेडिकल फैसिलिटी, हमारा एज स्लोली जो मैंने बुक में लिखा है 32 से था 73-74 तक, अभी मोर्टालिटी मैक्सिमम एज है हमारा। एंड स्टैटिस्टिक्स वो बोलता है कि 2051 के आसपास ज्यादा 80 इयर्स तक में काफी लोग रहेगा, 80 इयर्स में काफी लोग रहेगा, वो स्टैटिस्टिक्स बोलता है आपको। ओके 51 के 80 इयर्स तक ऐसे रहेगा, लेकिन ज्यादा लोग सपोज 60 के बाद आपको और 30 इयर्स रहना जरूरी रहेगा ऑटोमेटिकल। ओके एंड उसमें क्या है, इंक्रीजिंग इन मोर्टेलिटी रेट टू 63 व्हेन वी वाज 2001 एंड व्हेन अच्छा उसी टाइम पर डेमोग्राफिक ट्रेंड ऑफ इंडिया में क्या है, टोटल पॉपुलेशन विल बी 150 क्रोर्स इन 2030, पॉपुलेशन हो जाएगा 150 क्रोर्स इन 2030 में एंड मोर हॉस्पिटल, बेटर रोड, रेल अवेलेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए लोग ज्यादा दिन रहेंगे। इसको दिखाना है लोग को, जाकर इसको दिखाना है सर अभी आपको ज्यादा दिन जिंदा रहे, वो स्टैटिस्टिक्स है मेरा नहीं। सो सीनियर सिटीजन क्लब गेटिंग क्राउडेड नाउ एंड देर इज काफी इंफॉर्मेशन पेपर में आया था, उसको मैं लेकर आया है। क्या इंफॉर्मेशन था, सम न्यूज़पेपर आर्टिकल से, आर्टिकल न्यूज़पेपर का आया है, क्या है, सीनियर सिटीजन स्टेट आउट नंबर यूज इन केरला, केरला में सीनियर सिटीजन ज्यादा हो गया, 100 इयर्स क्लब गेटिंग क्राउडेड इन 2050 में 100 इयर्स क्लब क्राउडेड। बुढ़ा का देश कौन है, जापान, जापान को बोलते हैं वो बुढ़ा का देश, काफी लोग मोर देन 100 इयर्स जापान का, क्योंकि जापान में क्या है, वर्ल्ड का 5000 अच्छा कंपनी जो है उसमें 3000 है जापान का, पानासोनिक है जापान का, मर्सिडीज है जापान का, हुंडई है जापान, जापान में हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग के बाद वो टोक्यो ऑलरेडी कर दिया, हम सोच नहीं पाता है कभी टोक्यो करेगा इंडिया, एक कॉमनवेल्थ गेम किया काफी लोग अंदर में, हमारा इंटरनल चीज ऐसा है। तो 100 इयर्स क्लब गेटिंग मोर क्राउडेड बाय 2050, इंडिया विल बी वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन बाय 2050, काफी पॉपुलेशन आएगा इंडिया, काफी लोग वो मरेगा नहीं जिएगा सब, काफी लोग मोर देन 100 इयर्स के आसपास जाएगा। 5% हु लिव टिल 150 ऑलरेडी बॉर्न, जो रिकॉर्ड बनाएगा वर्ल्ड में 150 इयर्स जिंदा रहेगा वो ऑलरेडी बॉर्न। साइंटिस्ट हैव प्रूव दैट आफ्टर 50 आप जो भी अंग है इसको रिप्लेसमेंट कर देगा, आपका कुछ नहीं होगा, सब चीज को रिप्लेसमेंट कर,
एंड जिप नॉन फॉर जस्ट वन एचआर बी फ्री फ्रॉम एक ही मेडिसिन आएगा वो ब्लड प्रेशर से आपको निकाल देगा। अभी जो ब्लड प्रेशर डायबिटिक हम बोल रहे हैं काफी रिसर्च चल रही है, एक ही इंजेक्शन आप लेगा लाइफ लॉन्ग ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके ऊपर काफी रिसर्च चल रही। सो पीपुल विल लिव सो लॉन्गर, बहुत दिन हम जिंदा रहेगा। तो बहुत दिन जिंदा रहेगा कैसे रहेगा, हमारा पास पैसा नहीं रहेगा तो बेगर के तरह। तो रिटायरमेंट प्लानिंग इज मस्ट नेसेसरी। वो जो है ना इसको बोलिए बोलिए पिछला स्लाइड एक बार दिखाएंगे। क्या स्लाइड? जी जी और सुनिए सर, पिछला मींस दिस दिस वन 2030 दिस वन। ओके मैं आपको भेज देगा, रात में भेज देगा, डोंट वरी अश्विनी सर, मैं सब कुछ भेज देगा। ठीक है आप सर नीचे लिखता लॉन्गर एंड लॉन्गर लाइफ जिएगा, मेरा हेल्थ पॉलिसी कैसे बिकेगा सर? हेल्थ पॉलिसी बेचेगा ना, विदाउट हेल्थ पॉलिसी बेचेगा सर, काम नहीं होगा इतना इतना, क्योंकि हर कोई इसमें घुसेगा क्या, हमारा पास हर कोई घुसेगा नहीं, काफी लोग क्या करेगा, जो मोटरसाइकिल का जो ट्यू है ना इसको रिप्लेस नहीं करेगा, इसको पंक्चर करेगा, वो लोग का हमारा हेल्थ इंश्योरेंस करेगा, जो रिप्लेस करेगा इसी के लिए वो होगा। यहाँ कॉमा लगा के वो सेंटेंस पूरा करिए, बाय टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस। No, longer के बाद कॉमा लगा के वो काफी उसमें अंदर काफी चीज चला, क्योंकि 1 लाख में क्या हो सकता है। हम ट्राई कर रहे हैं कि हर लड़की को 1 लाख देगा, 100% देगा 1 लाख। जब वो शादी करेगा हम बोल गए कि वो हाउस वाइफ होकर जा रहा है, लेकिन 1 लाख इसको मिलेगा मंथली। ओके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर रिटायरमेंट के पहले आपको क्या क्या करना है, चिल्ड्रंस एजुकेशन, चिल्ड्रंस मैरिज, रेसिडेंस अपना रेसिडेंस, मेडिकल प्रोविजन भी करना है, वो काम करना है रिटायरमेंट से पहले, वो 4 चीजें आपको करना है। चिल्ड्रंस एजुकेशन करना है, चिल्ड्रंस मैरिज करना है, रेसिडेंस करना है, मेडिकल प्रोविजन करना है, वो कंपलसरी हो जाता है, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग कंपलसरी नहीं है। इसके लिए हमको उसके अंदर घुसना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। ओके एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं कि राइस पर किलो 1970 में राइस पर किलो 1 रुपीज था, राइस पर किलो था 1 रुपीज। आफ्टर 10 ईयर्स राइस हो गया 3 रुपीज, आफ्टर 10 ईयर राइस हो गया 8 रुपीज, आफ्टर 10 ईयर राइस हो गया 17 रुपीज। इन 2000 में राइस का था 1 किलो पर 17। उसके बाद राइस हो गया 36 रुपीज, उसके बाद राइस हो गया 80 रुपीज, एंड 2030 में राइस होगा 350 रुपीज, देन राइस होगा 650 रुपीज 1 किलो राइस। वो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इंक्रीज, तो हमको इसको सामने में रख के रिटायरमेंट प्लानिंग बनाना है। मिनिमम 6% इन्फ्लेक्शन रेट देकर, मिनिमम 6% इन्फ्लेक्शन। व्हाट इज दैट? सपोज दिस ईयर में हमारा जो भी खर्चा होता है कमिंग ईयर में वही खर्चा रहेगा, तो फिर भी 6% एक्स्ट्रा है। दिस ईयर में जो भी हम जो भी रेगुलर एक्सपेंडिचर करते हैं कमिंग ईयर वही करेगा, तो फिर भी 6% रहेगा। इसको बोलते हैं 6% इन्फ्लेक्शन रेट पर इसको बोलना जरूरी। एंड इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ लिविंग एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर पर फैमिली इन 1920 एक फैमिली 1 रुपीज में उसका 1 मंथ चला जाता है 1920। आफ्टर 20 ईयर्स इट वॉज 10 रुपीज, देन आफ्टर 20 ईयर्स इट वॉज 1960 100 रुपीज, देन आफ्टर 20 ईयर्स इट वॉज 1000 रुपीज, एंड इन 2000 इट वॉज 10,000 रुपीज। मीन्स इन 2000 में कोई घर चलाने के लिए स्टैंडर्ड फैमिली में मिनिमम 10,000 लगता, एंड 2020 में आज मिनिमम 1 लाख लगता है। वाइफ हस्बैंड एंड 2 बच्चा, हम दो हमारा दो, इसके लिए 1 लाख चला जाता है। इसको देख लीजिए 2030 में मिनिमम 10 लाख लगेगा, इसको देखा लीजिए वो चीज है, इसको देखा लीजिए। मैंने जो दिया ना आपको जो बुक का अंदर जो है
आर्टिकल्स, जितना आर्टिकल्स है हर आर्टिकल उधर है. 100 years क्लॉब गेटिंग क्राउडेड लाइकली बाय. तो इसको आपको दिखाना है. एंड उसके बाद वो जो साइंस प्रूव किया, आफ्टर 50 हर जितना अर्गान है इसको ट्रांसप्लांट हो जाए आफ्टर 50. एंड उसके बाद जो है ओल्ड मैन कोई नहीं रहेगा, सब यंग हो जाएगा. इसीलिए मेडिसिन आ रहा है, इंटरनली यंग हो जाएगा, इंटरनली यूथ. वो इंटरनली यूथ फील करेगा, एक्सटर्नली में भी कुछ होगा बट दी फील सीक्रेट टू इंटरनली. फास्ट पर्सन हु विल लिव टिल 150 ऑलरेडी बॉर्न. एंड उसके बाद जो भी हम आपको इंफॉर्मेशन दिया है इसमें लिखा है सब कुछ. इकोनॉमिक वैल्यू सर्वे में वो जो लिखा है इसको दिखाना है कस्टमर को. सर देख लीजिए, जो दिखता है वो बिकता है. आप ऐसे बोलेगा तो कुछ नहीं होगा. क्या है उसमें, 1920 में 1 रुपी था जो मैंने स्लाइड में प्रिपेयर किया, उसके बाद 10 रुपीज है, उसके बाद 100 रुपीज है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इज इंक्रीज, बढ़ता है. इससे राइस का भी कॉस्ट ऑफ लिविंग इज बढ़ता है. मंथली जो इसका एक्सपेंडिचर है मंथली 25,000, इसको जरूरी है 9 crores का फंड. 9 crores का फंड जरूरी है. वो उसमें लिखा है मोस्ट पीपुल हैव नॉट इवन डन 1 crore प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट. 9 crore छोड़ दीजिए, 1 crore का कोई प्लानिंग नहीं कर रहे. इसलिए मैं 1 lakh पर जाता हूं. 945 है टेबल नंबर. 945 मोस्ट पीपुल hardly plan for life after retirement. इसके पास पैसा रहेगा तो लाइफ को भी प्लान करेगा, पैसा नहीं रहेगा तो बोलेगा कि चला जाएगा, पैसा तो नहीं क्या करेगा. 90% ऑफ इंडियन एल्डर्स वर्क टू सर्वाइव. 90% इंडियन एल्डर्स वर्क टू सर्वाइव, सर्वाइव के लिए काम कर. So, इसमें एक एग्जाम्पल मैंने दिया है. सपोज कोई भी बंदा 20,000 rupees इन्वेस्ट करेगा एट द एज ऑफ 22. 22 में वो ईयरली 20,000 इन्वेस्ट करेगा. कितना साल इन्वेस्ट करेगा? 9 years इन्वेस्ट करेगा. इन्वेस्टमेंट शुरू होगा 22 में, खत्म होगा 30. बट उसी का फंड वैल्यू आता है नियर अबाउट 37 lakhs आफ्टर 65 years. वो शुरू किया कब? 22 में शुरू किया, खत्म किया 30 में. 9 years डिपॉजिट किया, ईयरली 20,000, 9 years डिपॉजिट किया. बट 65 में उसी का फंड वैल्यू है नियर अबाउट 37 lakhs. और एक बंदा क्या किया, वो 31 में इन्वेस्ट शुरू किया. कितना साल किया? 31 से शुरू किया, नियर अबाउट 35 years किया. 65 में उसी का फंड वैल्यू होगा 35 lakhs. वो डिपॉजिट कितना किया? नियर अबाउट 7 lakh डिपॉजिट किया. बट इसको फंड वैल्यू हुआ 34 lakhs. वो क्या किया? 9 साल डिपॉजिट किया, 1,80,000 वो डिपॉजिट किया, लेकिन उसी का फंड वैल्यू हो गया 37 lakhs. So, start saving early. Early save करो. अब जितना देर करेगा तो फंड वैल्यू आएगा नहीं. Okay? And उसके बाद question to ask to people, इसको पूछना है एक चीज. इसको presentation देने के बाद एक दो चीज पूछना है. In which home you want to live after your retirement? Retirement के बाद कौन सा घर में आप रहेगा? Who would stay with you forever? कौन आपके पास रहेगा? In which year you want to retire? Retire कब आप होगा? How much money would you require every month after retirement? इसको पूछना है. इसको अंदर जाएगा तो कुछ बोलेगा नहीं कि. So unplanned retirement leads you stress, and stress is the
नंबर वन किलर, उसमें स्लाइड है, लास्ट में वो स्लाइड को आप दिखाएगा। अनप्लान रिटायरमेंट लीड्स यू स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इज द नंबर वन किलर। हैव यू प्लान फॉर योर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, फॉर रेगुलर इनकम, फॉर हेल्थ केयर, फॉर लिविंग विद डिग्निटी, फॉर रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लव एंड केयर, वाइफ्स नीड, गिफ्ट टू ग्रैंड चिल्ड्रेन, सोशल लाइफ, हॉलीडेज। जब नहीं किया तो अनप्लान रिटायरमेंट लीड्स टू स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस इज द नंबर वन किलर। ओके, सो दिस वॉज द प्रेजेंटेशन। बात कीजिए, क्या लगा? कोई भी विजय प्रेजेंटेशन कहाँ है आपके पास सर? मेरा पास है। दिखाएगा किसको? अरे सुनी सर, हमें कल बात करेगा। चलिए ठीक है, सभी के पास है। और वो क्या 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 मैं आपको ने मेरा नंबर तो है ना, मैं बोल देगा आपको विजय। अरे बोलो, कुछ सीखने के लिए मिला और कुछ नहीं मिला? चक्रधर भाई वीडियो ऑन करो सर। वृंदावन भाई थोड़ा ऑन कीजिए वीडियो। वृंदावन जी, चक्रधर भाई, अरे भाई कुछ मिला आपको? आप हमको कुछ मिला बोलो सर। जिंदगी में बहुत बढ़िया मिला, जो आज तक नहीं मिला था। अरे चक्र, अरे आजी भाई 25th है। मैं तो सोचा था नहीं इतना अच्छा होगा आज का मीटिंग, जो ऑनलाइन मीटिंग। संजय संजय सुनी भाई, ये हमारा भुवनेश्वर का बंदा है, LIC का है। मेरा जो काल का जो सेशन था वो काफी स्पॉन्सर किया था मुझे, तो मैं बोला कि आज इसको लिंक दे दिया। मैं बोला कि अरे जूम में आइए, बात करेंगे शाम को। वो बॉम्बे का है, वो टाटा का है, वो हरियाणा का है। चक्रधर भाई, वो संजय बॉम्बे का है एंड वो टाटा का है। वो तो है हसार हरियाणा का है। एंड सुब्रत तो आपका टीम का है। सुब्रत आपका टीम का है। अच्छा, तो मैं मुझे मालूम नहीं था आप एक्चुअली ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा रेगुलर हीरो है, वो रेगुलर चला आता है। वो जो है ना, वो बीच बीच में फोन करता है, फिर आज कुछ डाल दीजिए ना, शाम को बात करेंगे। तो इसको हमको करना है। हाँ सर, पुष्पांजलि भी ज्वाइन किया है, बबरुवान बारी का सुब्रत अभी। अरे ग्रेट, अरे इसको पूछो ना क्या लगा। पुष्पांजलि आपको कैसा लगा थोड़ा बोलिए। पुष्पांजलि म्यूट ऑन करो, थोड़ा बोलिए कुछ मिला के मिला नहीं कुछ। पुष्पांजलि ऑन करो, वीडियो ऑन करो ना घर में, और इसे बोल दीजिए, वीडियो नहीं ऑन करने से चलेगा। बोल दीजिए क्या मिला तुमको पुष्पांजलि? मिला तो अच्छा लगा, मगर कौन जो रिटायरमेंट प्लान, यस कौन सा प्लान है? कोई भी प्लान दे सकता है, प्लान तो आपका मेंटर के पास काफी है, 4-5 प्लान। वो प्लान डिजाइन ही कर देगा, उसका एज के हिसाब से हम प्लान डिजाइन ही करेगा। किसी को हो गया 40, 50, 9, 7, हम लेकिन इसको इमोशनली सेल करेगा तो बिलो 10 ईयर्स का जो बच्चा है उसके पिताजी को जाकर बोलेगा इसको बनाना के, बिलो 10 ईयर्स का, क्योंकि इमोशनली सेल करेगा तो सेल चलाएगा। आप पिताजी को माताजी को बोलेगा। मेरा दूसरा चीज क्या है, मैं ऐसा भी पिचिंग करता हूँ कि सर आप तो रिटायरमेंट हो जाएगा, पेंशन भी मिलेगा, आपको बीबी के नाम पर एक रिटायरमेंट बना दीजिए, बीबी भी इसको मिलेगा ना। एंड वर्ल्ड में ज्यादा दिन तक फीमेल का लाइफ जो मोर्टालिटी है वो ज्यादा है। आप देखेंगे तो 100 पीपल ऑफ वर्ल्ड, उसमें नियर अबाउट 70% फीमेल है, वो ज्यादा दिन तक जिंदा है। तो आपका वाइफ जिंदा रहेगा, इसके लिए एक 1 लाख का प्लानिंग कर दीजिए। उसके नाम पर घर मत कीजिए, वो घर को संभाल नहीं पाएगा। 1 लाख प्लानिंग कर दीजिए, जिधर भी जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंडिया अच्छा लाइफस्टाइल इसको मिल जाएगा। सर बबरुबान को पूछिए कैसा लगा आज का। किसको किसको? वृंदावन बबरुबान। अरे बबरुबान भाई, अरे ऑन करो बबरुबान। अरे भाई ऑन करो ऑन करो ऑन करो बबरुबान, प्लीज म्यूट ऑन करो, बात कीजिए। अरे बात नहीं करेगा तो क्लाइंट के साथ कैसे बात करेगा बबरुबान। सैमसन इसे बबरुबान ऑन करो ऑन करो। सो गया क्या तुम? विवो 121920 विवो बबरुबान
एंड वो विजय आपका जो बेटा है, आपका जो है आईडी में, वो कौन है ना? तुम ट्विन है, तुम ट्विन है विजय, तुम ट्विन है क्या? वो ऑन नहीं करता है सर। हाँ बोलिए बोलिए, ऑन करेगा। उधर से साफ नहीं आ रहा था कैमरा, इसलिए मैंने उसको ज्वाइन किया हुआ था। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए एंड किसी का जरूरी होगा टूल्स जैसे व्हाट्सएप में, बोलिए बोलिए। जैसे आपने भी बोला कोस्ट ऑफ डिजीज, जैसे अपना कोज ऑफ डिजीज था ऐसा है, कोस्ट ऑफ डिजीज ऐसा ही चीज ऐसा है, चीज ऐसा है। उसके अंदर काफी इंफॉर्मेशन है जो इंश्योरेंस के लिए आपको काफी काम में आएगा। किसको एक दो वार्ड बोल देगा तो हो जाएगा काम। ओके, तो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग एंड टुमारो 8 बजे इसको फिर भी दमदार में हम शुरू करेंगे। अभी तो प्रेजेंटेशन हल्का था, कल उसको अंदर जाकर 8 बजे फिर भी दमदार में शुरू करेंगे। संजय जी नमस्ते। नमस्ते अश्विनी जी, नमस्ते। विजय बाय बाय, विजय बाय बाय। चक्रधर भाई नमस्ते। नमस्कार सर, नमस्कार, 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 नमस्कार। थैंक यू चक्रधर भाई, बाय बाय।